एक्सपायरी डे पर आप किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करोगे, चलिए हम देख लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिन लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर लाइव मार्केट के दौरान कोई भी ट्रेड वगैरह होता है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, ट्रेडिंग हाई सर्च करके देखो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में आज काफी बड़ी एक रेड कैंडल देखने को मिली है। एंड कुछ टाइम से वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, अगर कल का एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली यही लेवल मैंने आपको बताया था, ये 18,400 का मैंने एक एरिया आपको बताया था कि जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। लगभग 400 से 450 का ये वाला एरिया था, ठीक है। लास्ट टाइम इस स्विंग हाई पर दिखा था, और कल भी आज भी देखोगे तो इसी स्विंग हाई से मार्केट गैप अप हुआ और यहीं से मार्केट गिरता हुआ और एकदम स्विंग लो के आसपास आके मार्केट ने क्लोज किया। तो काफी बड़ी गिरावट आज मार्केट के अंदर देखने को मिली है। ऑब्वियसली कोई न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से आज जो है टेक्निकल थोड़ा कम काम कर रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट जो है फॉल करता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज रही होगी। एंड ओवरऑल जो मैंने आपको कल लेवल्स बताए होंगे और जो एनालिसिस के अंदर बताया होगा उसके हिसाब से डेफिनेटली अगर आपने ट्रेड किया होगा तो काफी अच्छा पुट साइड में पैसा बना होगा। अभी मैं बात करूँ थोड़ा सा ओवरऑल अगर सेंटिमेंट की बात करें, देख सकते हो प्राइस अभी एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। ये जो पूरा एरिया देख पा रहे हो मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, उसी के आसपास अभी मार्केट ने आज क्लोज किया है सपोर्ट के आसपास। हो सकता है कल एक छोटी कैंडल हमको देखने को मिले, क्योंकि कल एक्सपायरी भी, अगर कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा तो फिर एक रेंज के बीच में कल कल के दिन में मार्केट ट्रेड कर सकता है, एक साइडवेज मार्केट रह सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आज का दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट अभी इस चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर इस चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट होगा आने वाले टाइम के अंदर, एक शानदार तेजी फिर से हमको देखने को मिलेगी जब प्राइस इस चैनल को अपसाइड इस तरीके से ब्रेक करेगी, तो उसके बाद हमको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, वहां पर हम देख लेते हैं आपका प्लान क्या हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो एंड ऑफ द डे मार्केट ने स्विंग के बीच में ट्रेड किया, यहाँ पर देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक शानदार मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो हमारा प्लान क्या हो सकता है कल के दिन में, अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट एक रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज मैं अगर लेवल आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो सिंपल लेवल अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल के ऊपर आप इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम कॉल की पोजिशन बनाएंगे एंड आराम से ट्रेड करेंगे, अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में आज काफी अच्छी गिरावट हुई तो हर स्विंग हाई के आसपास सेलर्स बैठे हुए हैं तो वो सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है, यानी कि 18,285 का लेवल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर 300 का लेवल एक राउंड लेवल नंबर इसी के आसपास है, ठीक है। तो अग्रेसिवली प्लान मत करना, या तो हो सके थोड़ा वेट कर जाओ। ये 300 का लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, आप ये मान के चलो 18,300 का जो कॉल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमारे काम करेगा। अगर ये 300 का लेवल ब्रेक करेगा तो 300 का ही कॉल आप बाय कर सकते हो, काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी और काफी अच्छी तेजी इसमें हो सकती है, ठीक है। तो 18,300 आप लेके चलो, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। सेल के लिए बात करूँ तो सिंपल, अगर डे का लो क्रॉस करता है तो एक ये आपको सिंपल मिल जाएगा, इसके नीचे सेल करने के लिए प्लान आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर वीक रिजेक्शन एंड ऑफ द डे देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वीक रिजेक्शन दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एक बाइंग जोन हो सकता है, फिर से यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा, इस जोन के नीचे निकल जाएगा, डे के लो के नीचे निकल जाएगा, फिर उसके बाद अग्रेसिवली सेल आ सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। ऊपर में फिर से टारगेट जो भी है स्विंग हाई, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 350, या फिर मेजर अगर स्विंग हाई की बात करूँ तो लगभग 380 के आसपास, 18,380 के आसपास का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हो। अगर ऊपर की तरफ जाता है 350 से 380 का लेवल है, ठीक है। इसमें बीच में रेजिस्टेंस है 50 का, ठीक है, राउंड लेवल नंबर है, फिर डे का हाई ये हो सकता है। देखो इतना ऊपर शायद ही जाएगा क्योंकि मार्केट कल एक्सपायरी है, अगर थोड़ा गैप अप भी हो गया तो वो रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बाकी क्या होगा वो हम किसी को नहीं पता है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लते हैं। बैंक निफ्टी की एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली, काफी बड़ी मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली और काफी शानदार गिरावट हुई। देखो यहाँ से पहले यहाँ पर फॉल करना स्टार्ट किया मार्केट, 2-3 दिन प्राइस ने यहाँ पर वेट किया और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अपसाइड जाना मुश्किल है, लेकिन नीचे की तरफ आएगा मार्केट तो काफी स्पीड में आएगा। और आज देख सकते हो जब मार्केट गिरने लगा तो काफी बड़ी गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली, काफी अच्छी गिरावट हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी आपका प्लान क्या हो सकता है, देखो किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें तो लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर हमने देखने को मिला था, ओके मैं यहाँ पर एक जोन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का हम एक ऑल टाइम हाई बनाया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद देख सकते हो प्राइस फिर से इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, यानी कि ये जो आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर बाउंस करके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ
निकलेगा, ठीक है। तो ये एरिया हम वेट करेंगे, यहाँ तक मैक्सिमम इतना नीचे आने का प्लान मार्केट कर सकता है, ठीक है। और काफी स्पीड से आ रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ तक, ऑब्वियसली यहाँ तक आ सकता है, इसको टेस्ट कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इस तरीके से नीचे आएगा, फिर यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले, उसके बाद ऊपर जाए, या फिर यहीं से मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, आज काफी अच्छी गिरावट हुई, तो कल मे भी हो सकता है साइडवेज हो जाए मार्केट, एक दो दिन फिर से मार्केट वेट करे, या फिर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले। आपका प्लान क्या होना चाहिए, देख सकते हो ये जो लेवल है, हम काफी टाइम से बोल रहा था, लगभग 43,000 का लेवल था, और 43,000 लगभग 42,900 से 950 से 43,000 का लेवल था एग्जैक्ट, इस लेवल का आज ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, उसके बाद एंड ऑफ द डे भी काफी अच्छी गिरावट हुई, ठीक है। और यहाँ पर लगभग डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करा है, तो फिर से अगर प्राइस जो है 42,950 या फिर 43,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज हम वेट करेंगे। बाकी नीचे में ये सपोर्ट एरिया डे का लो या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास कह सकते हो, लगभग यहाँ पर 500 का लेवल आप राउंड लेवल नंबर है, और 400 का इसने लो लगाया है, ठीक है। तो 400 के आसपास का लेवल मान के चलो, ये पूरा मार्केट जो इस बीच की रेंज में वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो ऊपर नीचे कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डे का लो क्रॉस करेगा हम सेल के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज लगभग 43,000 का ऊपर निकलेगा तो हम बाय के लिए प्लान करेंगे, लेकिन काफी अच्छी बड़ी रेंज है, ठीक है। ये छोटी रेंज नहीं है, अगर पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफी बड़ी रेंज आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की ये नॉर्मल रेंज आपको दिख रही है, ठीक है। अगर एकदम लो के आसपास बात करूँ तो लगभग 600 पॉइंट की रेंज हमको दिख रही है, ठीक है। तो मार्केट ओपन होने दीजिए, कहाँ पर ओपन होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाकी ये लेवल्स आप मार्क करके रख लो, फिर हम मॉर्निंग में डिसाइड करेंगे किस तरीके से मार्केट ट्रेड करेगा। बाकी मैं आपके साथ लेवल्स वहां पर और भी कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो मैं आप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी हर एक यहाँ पर हर एक 100 पॉइंट आप टारगेट पॉइंट मान के चलो बैंक निफ्टी के अंदर होता है, ठीक है। बाकी एंड ऑफ द डे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है प्राइस, यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है प्राइस, ठीक है। तो इसके नीचे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर फिर से हिट करके फिर से गिरावट भी आ सकती है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो 42,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ अब काम ये करेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर हो चुका है, बाकी मॉर्निंग में मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा किस तरीके से आपको प्लान करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की, अगर हम स्टॉक में देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है जिसको आप सेल के लिए कल आप देख सकते हो इंट्राडे में स्टॉक को, वो पहला स्टॉक है यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है। इस स्टॉक को देखोगे तो काफी अच्छा लो बनाता है, वो ऊपर से आ रहा है और लो के आसपास अभी खड़ा है, तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ से एक अच्छी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो सिंपल हम इसका डे का लो क्रॉस करते हैं, यहाँ पर हम इसको सेल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। डे का लो क्रॉस करते हैं हम इसमें सेल के लिए प्लान करेंगे इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ बाय के लिए देखें तो एक स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है लुपिन, ठीक है। इस स्टॉक को देखोगे स्विंग लो के आसपास काफी अच्छी ग्रीन कलर बनाई, यहाँ पर देखो लास्ट स्विंग लो था इसी के आसपास प्राइस आई, फिर से सपोर्ट लिया, अभी इसके यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, ठीक है। तो इसका डे का हाई क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन आज काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है तो ये कल कंटिन्यू कर सकता है, या फिर कल यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है लगभग 65 के आसपास, 765 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर आपका टारगेट आप लेके चल सकते हो इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। आई होप कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर हो चुका है किस तरीके से ट्रेड करना, स्टॉक का भी क्लियर हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इससे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।